students, welcome to the second lecture of water supply and wastewater engineering, sixth chapter laying of pipes. ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि laying of pipes के बारे में, ठीक है, तो हमने सबसे पहले किया अलाइनमेंट, ठीक है, पहले तो एरिया का जो है प्लानिंग की, ठीक है, एरिया के बारे में, उसके बाद जो है लेइंग आउट अलाइनमेंट के बारे में, उसके बाद उसकी जो है खुदाई या एक्सक्वेशन ऑफ ट्रेंचेस, ठीक है, खुदाई के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हमने प्रिकॉशंस किया, हमने जो है खुदाई करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में, और फिर ट्रैफिक कंट्रोल को के सावधानियों के बारे में डिस्कस किया है. तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 पैडिंग ऑफ पाइप लाइन्स के बारे में. शुरू हो जाता है, ठीक है, तो जो खड्डा खोदा होता है, ठीक है, तो उसको जो है विभिन्न जो मेथड के जरिए हम पाइपलाइन को जो है बिछा सकते हैं, ठीक है, तो ब्लॉक को यूज करके, तो उसके लेवलिंग और अलाइनमेंट करके जो है पाइप को जो है खड्डे के अंदर बिछाया जाता है, ठीक है, तो और उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है सोयल से जो है उसको आपस में जो है ढक दिया जाता है, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से जो है पाइपलाइन को जो है बिछाया जाता है. तो ये ग्राउंड लेवल से जो है यहाँ पे जो है पाइपलाइन, तो ये अंदर सोयल से ढक दिया जाता है, तो ये पाइपलाइन सेंटर में बिछा दी जाती है, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया. ये कंपैक्टेड सोयल, ये पाइप, ये ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से जो है पाइप बिछा दी जाती है, ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया, ये ट्रेंच जो खड्डा खोदा है, ठीक है, खुदाई जो हुई है, ठीक है. नेक्स्ट आ गया, उन्हें एक ब्लॉक रख दिया जाता है, ठीक है, तो वो ब्लॉक के ऊपर जो है पाइप बिछा दी जाती है, ये ट्रेंच, तो इसके नीचे यहाँ पे ब्लॉक रख के उसके ऊपर जो है ये पाइप बिछा दी जाती है, ठीक है, तो ये ब्लॉक एक हिस्सा से, ठीक है, ग्राउंड लेवल, ठीक है, और तीसरा है कि जो है ब्लॉक बिछा करके और उसके जो है आसपास, तीसरा ये मेथड है कि ब्लॉक भी रख दिया जाता है, उसके ऊपर पाइपलाइन बिछा दी जाती है, और साथ में उसको जो है कंपैक्टेड सोयल से जो है ढक दिया जाता है, ठीक है, तो ये कंपैक्टेड सोयल, ये पाइप, ये ब्लॉक, कंपैक्टेड सोयल, तो उसको जो है सोयल से रख दिया जाता है, ठीक है, तो ये सारे मेथड है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो ये तीन मेथड है जिसके जरिए हम तो पाइपलाइन जो है बिछाई बिछाने का कार्य करते हैं, ठीक है, तो ये डायमीटर से जो है टाइल से जो है नीचे नहीं होना चाहिए, ढाई सेंटीमीटर से, ठीक है, तो नंबर 5 लोअरिंग ऑफ पाइप्स इन ट्रेंच, लोअरिंग ऑफ पाइप्स इन ट्रेंच.
ट्रेंच के नीचे जो है पाइप्स जो है क्या कार्य करती है, द पाइप्स आर लोअर्ड इनटू द ट्रेंच पीस बाय पीस केयरफुली बाय मींस ऑफ डायरेक्ट रोप्स और एनी अदर सूटेबल इक्विपमेंट। ठीक है, तो जो है ट्रेंच के जो है नीचे बिछाई जाती है, ठीक है, और उसको अच्छे से जो है उसको जो है ताकि जो है किसी प्रकार का जो है डैमेज, ठीक है, मटेरियल, तो इसको जो है किससे बचाना चाहिए पाइप को कि डैमेज मटेरियल उसके अंदर ना हो। ठीक है, तो जो है उसके ऊपर जो है पाइप के ऊपर जो है कोटिंग वगैरह की जाती है, ठीक है, कोटिंग या लाइनिंग से उसको जो है प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव की जाती है, ठीक है, कोटिंग करके, तो उससे जो है उसके अंदर डैमेज वगैरह का खतरा नहीं होना चाहिए। अगर हम ट्रेंचेज के नीचे से हम जो है पाइपलाइन नहीं बिछाएंगे या ऊपर ही रख देंगे तो वो डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, लार्ज साइज पाइप लोअर विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट की हेल्प से जो है या तो वो पाइपलाइन को जो है उसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो जो अगर ज्यादा बड़े साइज की हो तो हैंड रोलिंग ऑफ पाइप्स कैन बी डन बाय मींस द रोप ऑफ द रोप एट ईच एंड विद द रोलिंग हिच, तो रोलिंग हिच जो है उसके अंदर लगा करके जो है उसके साइडों में, तो उसको जो है पकड़ के अच्छे से जो है पाइपलाइन को जो है ट्रेंच के अंदर बिछाया जाता है। ठीक है, ताकि उसके अंदर डैमेज वगैरह का खतरा ना रहे या डैमेज ना हो। ठीक है, नंबर 6 लेइंग ऑफ पाइप्स, तो पाइपलाइन को जो बिछाने का कार्य है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन में बिछी होनी चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में तो जो पाइपलाइन को बिछाया जाता है, ठीक है, तो जो है किसी प्रकार की जो है कर्व उसके अंदर नहीं होने चाहिए, अगर इस कर्व वगैरह होगी तो वो उसके टूटने का खतरा जो ज्यादा रहता है। ठीक है, तो केयरफुली उसको जो है ट्रेंच के अंदर रख देना चाहिए, तो पाइपलाइन बिछा देनी चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उसकी लेंथ के हिसाब से जो है पाइपलाइन को जो है सीधा रखा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो ज्वाइंट करने हैं, ठीक है, तो ये पाइपलाइन को जो है हाई लेवल पर, तो उसको जो है प्रॉपर अलाइनमेंट करके ही जो है पाइपलाइन को जो है उसके अंदर बिछाया जाता है। ठीक है, तो उसकी अलाइनमेंट खराब ना हो या इधर उधर कर्व ना हो। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है ध्यान में रखनी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रख करके ही जो है पाइपलाइन बिछाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जॉइंटिंग ऑफ पाइप्स, जॉइंटिंग ऑफ पाइप्स, तो पाइप लाइन को जो है बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी रख करके उसके अंदर जो है लंबी दूरी तक ले जाने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर जॉइंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो है जॉइंट उसके अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको जो है अच्छे से जो है उसको स्क्रैप कर लेना चाहिए, उसको जो है रगड़ लेना चाहिए, उसको जो है आपस में जॉइंट करने से पहले। ठीक है, तो किसी प्रकार का जो है उसको ढीला ढुला नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से जो है आपस में जॉइंट जो है एक दूसरे से पूरे फिट जो है रखने चाहिए, ताकि जो है लीकेज वगैरह का खतरा ना रहे, या वो अगर वो अच्छे से स्क्रैप्ड या क्लीन होंगे या साफ सुथरे होंगे तो उसमें जो है लीकेज का खतरा भी कम रहता है और वो टूटने का भी खतरा जो है कम रहता है, और अलाइनमेंट भी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए सभी जॉइंट्स की। ठीक है, तो जो है इसके मिलते जुलते, ठीक है, जैसे कि स्लूस वाल्व, ठीक है, हाइड्रेंट्स हो गए, तो वो सभी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से जो है फिक्स कर देनी चाहिए, तो जहाँ पे अपने डिस्टेंस पे जहाँ पे जरूरत हो तो वहां पे ही वाल्व्स का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइंस,
टेस्टिंग ऑफ पाइप लाइन्स। तो पाइप लाइन की जो है टेस्टिंग कैसे करेंगे ताकि वो ठीक है ज्वाइंट लीकेज वगैरह ना करे या ज्वाइंट अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो है उसके अंदर लगे हों और स्लूस वाल्व जो प्रॉपर तरीके से जो उसके बीच में लगाया गया हो। तो ये सभी चीजों का जो है टेस्ट हम करते हैं ठीक है। तो अगर एक बार स्लूस वाल्व जो है उसके अंदर लगा दिया जाए ठीक है तो उसके बाद जो है पानी जो है उसके अंदर से जाना शुरू हो जाता है एक एंड से दूसरे एंड तक ठीक है। व्हाइल फाइलिंग फिलिंग अप द पाइप्स द एयर वॉल्व्स शुड बी प्रॉपरली ओपन एंड क्लोज। तो वो जो है एयर वॉल्व जो है प्रॉपर तरीके से वो खुलना चाहिए और प्रॉपर तरीके से बंद होना चाहिए ठीक है। तो ये चीजें जो है टेस्टिंग के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो है प्रेशर गेज ठीक है। तो प्रेशर गेज शैल बी फिटेड थ्रू द होल लेफ्ट ऑन द क्राउन फॉर द दिस पर्पस। तो जो है प्रेशर गेज से जो है उसका जो है प्रेशर प्रॉपर तरीके से मापना चाहिए ठीक है। तो जो है स्मॉल जो छोटा बाईपास वाल्व है तो ठीक है पोर्शन ऑफ द पाइप से कनेक्टेड टू डिलीवरी साइड ऑफ द पंप ठीक है। द फंक्शन ऑफ पंप शुड बी तो पंप का जो प्रेशर है वो प्रेशर गेज से अच्छे से माप करके ताकि जो है जितने आवश्यकता हो तो उतना ही प्रेशर उसके अंदर दिया जाना चाहिए ठीक है। तो पंप के जरिए जो है प्रेशर दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है चेक कर लेनी चाहिए ठीक है प्रेशर गेज के हिसाब से ठीक है। तो जो है अगर लीकेज का खतरा हो तो वो वहां पे ज्वाइंट को जो है अच्छे से टाइट होने चाहिए ठीक है। तो और उसके अंदर से जो है एयर वॉल्व जो है फिट होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का जो है पानी की जो है रुकावट ना आ सके या पूरा का पूरा पानी जो है निकासी हो सके ठीक है। तो लीकेज कैसे कैलकुलेट करेंगे तो लॉस ड्यू टू लीकेज तो ये कैसे चेक करते हैं एनडी अंडर रूट पी बटा 775 लीटर पर आवर। तो ये ऐसे मापते हैं एन मतलब नंबर ऑफ ज्वाइंट्स जैसे एन नंबर ऑफ ज्वाइंट्स ठीक है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं डी मतलब डायमीटर ऑफ पाइप इन सेंटीमीटर ठीक है और पी मतलब टेस्ट इन किलोग्राम स्क्वायर डे
किलोमीटर, ठीक है, अगर डायमीटर 3 मीटर से ज्यादा है या 3 मीटर है, ठीक है, तो ये तो जो भी डिफेक्ट है या किसी प्रकार का उसके अंदर जो है लीकेज वगैरह का या पाए ज्वाइंट उसके लीकेज कर रहे हैं या किसी प्रकार का और डिफेक्ट है तो उसको जो है रिपेयर या मेंटेनेंस के द्वारा ठीक किया जाना चाहिए, ठीक है, तो उसको जो है ठीक करना जरूरी होता है, ठीक है, तो अगर ठीक नहीं करेंगे तो वो जो है लॉसेज का कारण बनता है, तो वाटर को जो है लॉसेज होने से बचाने के लिए उसको जो है रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का कार्य किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट आ गया अपना बैग फिलिंग, ठीक है, तो ये था लीकेज ऑफ पाइप, तो ये सभी था लेइंग ऑफ पाइप्स, तो पाइपलाइन कैसे कैसे हमने बिछानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया बैग फिलिंग, तो जो प्रोसेस जो है एक्सकवेशन सोयल जो है उसको जो है ट्रेंच के अंदर जो द्वारा जो है पाइपलाइन के ऊपर जो बिछाई जाती है वो क्या कहलाता है, बैक फिलिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द एक्सकवेशन सोयल या मेंटेनेंस कहलाता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से
उसको जो है कार्य करना, ठीक है, उसके ऊपर कार्य करना या उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है कार्य करने का जो गुणवत्ता प्राप्त प्रदान करवाना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ द होल वाटर सप्लाई सिस्टम डिपेंड अपॉन प्रॉपर मेंटेनेंस, ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड इंच ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको जो रिपेयरिंग की जाए या प्रॉपर तरीके से उसकी जो मेंटेनेंस की जाए, तो वो जो सारे के सारा जो है वाटर सप्लाई सिस्टम है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है कि बढ़िया तरीके से जो है मेंटेनेंस या का कार्य कहलाता है। ठीक है, तो जो उसके अंदर जो मेंटेनेंस का कार्य है, जैसे पाइप मेंस हो गया, सब मेंस या ब्रांचेज है, वॉल्व्स है, हाइड्रेंट्स है, तो इस सभी में तो अलग अलग प्रकार से जो है मेंटेनेंस का कार्य प्रॉपर तरीके से जो है किया जाना जरूरी होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो वो साल दर साल या समय समय पर, ठीक है, उसका जो है पाइप्स वगैरह की जो है मेंटेनेंस जो है होनी आवश्यकता रहती है। ठीक है, वॉल्व्स है या पाइप्स है, तो इन सब की जो है समय समय पर जो है मेंटेनेंस की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो ये था अपना लेइंग आउट पाइप्स के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर या ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। ठीक है, तो जो बोरिंग रोड है, तो उसका भी कार्य क्या रहता है, तो ये बैक फिलिंग करने के लिए यूज ऑफ बोरिंग रोड्स। तो बोरिंग रोड्स का जो है क्या कार्य क्या रहता है कि जो है बैक फिलिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से जो है रोड से जो है उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है कुटाई की जाती है। ठीक है, और जो है जो बोरिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर बोर करने का कार्य करती है, तो वो बोरिंग रोड ही का कार्य करती है। जैसे हमने जो है किसी जो है गहराई में, ठीक है, गहराई के अंदर जो हमने कोई जो है पाइपलाइन बिछानी है, ठीक है, तो गहराई से जो है गहराई के अंदर उसका जो है बोरिंग रोड का कार्य जो है उसका जो है अंदर से जो है एक्सकवेशन खोदना या ट्रेंचेस खोदना होता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो है बोरिंग रोड्स के रहते हैं। ठीक है, तो ये था अपना लेइंग ऑफ पाइप्स के बारे में। तो नेक्स्ट आएगा अपना सातवां बिल्डिंग वाटर सप्लाई के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत